मेरे पास बहुत पुख्ता दस्तावेज है। वो दस्तावेज इंग्लिश में है, विश्व का बड़े में बड़ा हार्ट का डॉक्टर, हार्ट का सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ऑपरेशन करने से पहले ध्यान करता है, मेडिटेशन, और वो कहता है कि ध्यान करने वाले को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती। वो दस्तावेज लाओ और उसने जो कहा है इंग्लिश में सबको सुनाओ, क्योंकि आजकल लोग प्रभावित हैं अंग्रेजी से और उनको प्रूफ चाहिए। ये उसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको। वो डॉक्टर का नाम और उसने जो रिसर्च किया और अपने रोगियों को कहता है हर रोज तुम ध्यान करो, विश्व का बड़े में बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट अमेरिका, वो कहता है, उसकी बात मानेंगे? मैं कहता हूं ऋषियों की बात मानो। ऋषियों ने तो हजारों साल पहले ध्यान की महिमा समझा दी कि ध्यान तो शरीर को, मन को, बुद्धि को ठीक रखता है। ध्यान के द्वारा तुम बीमारियों से बच सकते हो, ध्यान के द्वारा तुम्हारा आध्यात्मिक बौद्धिक विकास होता है, तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और ध्यान के द्वारा तुम्हारे शरीर में आरोग्य के कण डेवलप होते। ध्यान स्वास्थ्य की बहुत ऊंची चिकित्सा। आजकल डॉक्टर लिख के देते हैं आपको बीमारी हो गई तो ये इंजेक्शन लगाओ, ये कैप्सूल लो, ये टैबलेट लो, लेकिन ऐसा समय आएगा जो डॉक्टर लिख के देंगे चार अनुलोम विलोम करो, दो भस्त्रिका करो, आधा घंटा ध्यान करो, बस ठीक हो जाएगा। ये बीमारी है तो ये प्राणायाम करो, ये बीमारी है तो ये प्राणायाम करो। वो दिन भी आने वाला है थोड़े वर्षों के बाद, आप देखना। दवाई नहीं लिख के देंगे, दवाई के बदले क्या लिख के देंगे? योग करो, प्राणायाम करो, ये आसन करो, कमर की तकलीफ है तो ये चक्रासन करो, और तौंद बाहर आ गई है तो ये पाद पश्चिम उत्तानासन करो, ये वज्रासन में बैठो, हजम नहीं होता है तो वज्रासन में बैठो, पाचन शक्ति तीव्र हो जाएगी, और ये प्राणायाम करो। हाँ, खड़े होके वो जो डॉक्टर कह रहा है उसका पुख्ता दस्तावेज। हाँ, हरिओम, डॉक्टर ओजा द डायरेक्टर ऑफ कोलंबिया पेडिस्ट्रेन हार्ट इंस्टीट्यूट है। उन्होंने टाइम मैगजीन 20 जनवरी 2003 में ही आर्टिकल दिया था इंग्लिश अखबारों में, मैगजीनों में छपा हुआ है, हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर, हाँ, विश्व के जाने माने, सबसे वन उनका प्रथम। हाँ, इन माय एज अ कार्डियोवास्कुलर सर्जन आई यूज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन टू सेपरेट पेशेंट फ्रॉम द डिजीज हार्ट्स and replace these organs with healthy ones. While my training was in the science of the Western world, I also rely heavily on an ancient Eastern technique, meditation, to help my patient prepare for surgery and to steer them gently towards recovery. Why? Because it works. Every patient who comes to Columbia Medical Center in New York City for a heart operation is offered an optional program ऑफ मसाज। इसको थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बताते जाएं, दो लाइन पढ़ो फिर हिंदी में इसका सबको बताएं। हाँ, इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर हार्ट ऑपरेशन इज ऑफर्ड एन ऑप्शनल प्रोग्राम ऑफ मसाज, योगा एंड मेडिटेशन। जो कोलंबिया पेडिस्ट्रेन मेडिकल सेंटर है वहाँ पे उन्होंने न्यू रिसर्च चालू की थी, जहाँ पे उन्होंने जो इसको भी हार्ट ऑपरेशन शुरू करवाते थे उनको सबसे पहले मसाज करवाते थे, योगा करवाते थे और मेडिटेशन करवाते थे। फिर उसके बाद उनको
90 मिनट तक एक ऑडियो टेप सुनाई जाती थी जिसमें वो वॉइस स्पीक करते थे, ऐसे जेंटल क्लाम वॉइस स्पीक करते थे, जिनसे आगे का उसे जिनसे उनको कंफर्टेबल और हैप्पी फील होता था, और उसके बाद उनका ऑपरेशन किया जाता था जैसे लिखा गया है। ध्यान की सीडी समझ लो। वी सेल स्पेशली प्रिपेयर 90 मिनट्स ऑडियो टेप इन विच अ क्लाम वॉइस स्पीक्स ओवर जेंटली स्ट्रेन ऑफ न्यू एज म्यूजिक एंड अर्ज पेशेंट्स टू रिमेंबर अ प्लेस वेर दे फेल्ट हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। Americans tend to be very self-conscious about this sort of thing. Some patients don't even want to close their eyes, but surgery gives people an incentive to try new things, and a significant percentage of patients take us up and off our offer for to their benefits. जब वो ये करते थे तो उनको जो अमेरिकन से उन्होंने ये महसूस किया कि उनका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है और उनका जो इंटरनल जो उनकी डिपेंडेंसी है वो खुलती है। कितने लोग तो आंखें बंद करना भी नहीं चाहते हैं पर वो लोग उनको फोर्स करते हैं कि तुम आंखें बंद करके अंतरात्मा में जाओ ताकि तुम्हें अच्छे बेनिफिट्स उसके मिले। वी हैव डन रेमेंडस ट्रायल्स इन विच सम पेशेंट गेट। लेकिन भगवान शंकर ने तो पार्वती को हजारों साल पहले कह दिया कि नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम तस्मात् ध्यानम समाचरेत, कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, इसलिए ध्यान का अभ्यास। तो सदगुरु के मंत्र को जो जीवन में उतारता है, कबीर ने भी रामानंद जी से मंत्र लिया, तो मंत्र जप करते 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 शरीर में आध्यात्मिक परमाणु, आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जिससे शरीर की तो बीमारियां मिटती है, मानसिक रोग भी मिटते हैं, पारिवारिक समस्याएं भी मिटती है, और व्यक्ति का जीवन सुदृढ़ हो जाता है। ऐसी ध्यान की महिमा है। तो आप फिर से थोड़ी देर ध्यान करो, संध्या का समय है, फिर से धूप वाले थोड़ा धूप घुमाओ, गहरा श्वास लो और दीर्घ ओमकार का गुंजन करो। हरि ओम, हरि thank you.